तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं पीटी रॉन फ्यूजन वेव 16 वाट वायरलेस साउंड बार का, जिसे मैंने अमेजोन से 800 रुपये में परचेज किया है। तो यह है इसका बॉक्स। बॉक्स के ऊपर साउंड बार का एक बैनर लगा है और राइट साइड कॉर्नर पे मेड इन इंडिया का टैग लगा है, मतलब ये स्पीकर इंडिया में बना है, अच्छी बात है। स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5 का सपोर्ट दिया गया है, 10 मीटर का रेंज है, आउटपुट पावर 16 वाट का है और इसमें दो स्पीकर लगे हैं 8-8 वाट के। बैटरी लाइफ इसका 20 घंटे का है, इसे चार्ज होने में 2 घंटे का समय लगता है और इसे चार्ज हम 5 वोल्ट 1 एम्पियर माइक्रो यूएसबी के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। ये ब्लूटूथ स्पीकर TWS फीचर के साथ आता है और इसमें मल्टी प्लेबैक का सपोर्ट है, जैसे BT, AUX, TF कार्ड, USB और FM रेडियो। इसका प्लेबैक टाइम वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देगा, जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना कम प्लेबैक। तो फटाफट से हम इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स में हमें मिलता है ये मेन स्पीकर और एक ऑक्स केबल, एक माइक्रो एसबी केबल, एक हैंड स्ट्रैप और ये यूजर कार्ड। स्पीकर की बात करें तो स्पीकर पूरी तरीके से प्लास्टिक से बना है और ये गिरने पर टूट भी सकता है। तो प्राइस रेंज के हिसाब से ये स्पीकर ठीक ठाक लग रहा है। साउंड टेस्ट के बाद हम इसके साउंड के बारे में भी बात करते हैं। बेस बिल्कुल भी नहीं है, ट्रेबल काफ़ी ज़्यादा शार्प है और 100% वॉल्यूम पे डिस्टॉर्शन भी आता है। 90% वॉल्यूम पे सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बेस इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो जिसको बेस पसंद है उसको ये ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि प्राइस कितना भी हो लेकिन साउंड क्वालिटी अच्छा होना चाहिए और इसमें बेस बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे ये स्पीकर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, क्योंकि मुझे बेस ज़्यादा पसंद है और इसमें बेस है ही नहीं। भले ही प्राइस कितना भी कम हो लेकिन क्लैरिटी और बेस होना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।